नमस्कार। तो हम पिक्टोग्राफ के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आइए एक और क्वेश्चन देखें। द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स परचेज्ड फॉर लॉजिंग हाउसेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ ए ईयर। हियर मंथ्स आर गिवन एंड नंबर ऑफ बल्ब्स परचेस्ड दीज आर ऑल्सो गिवन। जनवरी में 20, फरवरी में 26, मार्च में 30 और अप्रैल में 34 बल्ब खरीदे। रिप्रेजेंट द डिटेल्स बाय पिक्टोग्राफ। तो यहाँ पे हम देखिए, हम एक रफ डायग्राम जैसा आपको यहाँ पे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मंथ, मंथ एंड नंबर ऑफ बल्ब्स। नंबर ऑफ बल्ब्स अब देखिए यहाँ पे 20, 26, 33 और 34 इस तरह से दिया हुआ है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक बल्ब बनाएं और एक बल्ब एक पिक्चर बनाए बल्ब का और वो 10 बल्ब के बराबर हो, ठीक है। तो एक बल्ब ऐसा हम बनाए और दिस रिप्रेजेंट 10 बल्ब्स। तो जनवरी में 20 बल्ब, तो हम दो पिक्चर बनाएंगे बल्ब के। तो ये दो बल्ब जैसे ऐसे बना दिए, ये एक और दूसरा लाइक दिस। तो ये इसमें चाहे तो फिलामेंट भी बना दें, ऐसे करके फिलामेंट बना दिए तो दो बल्ब हो गए। तो दिस विल रिप्रेजेंट 20, ठीक है। अब इसमें 26 हैं, जब 26 होंगे तो हम दो बल्ब तो पूरे बनाएं और एक आधा बना दें, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 26 को रिप्रेजेंट करेगा। सो फर्स्ट बल्ब ये एक बल्ब, दूसरा ये फिलामेंट बना दिया इसका, दो बल्ब। और इसके बाद में एक बल्ब हम आधा बना के और ऐसा छोड़ दें, है ना। और तो ये 26 को अप्रोक्सीमेटली ये रिप्रेजेंट करेगा। फिर मार्च में 30 बल्ब्स, मतलब हमको 3 बल्ब के फिगर्स बनाने पड़ेंगे। तो ये एक बल्ब, ये दूसरा और ये तीसरा बल्ब, है ना। तो ये 30 को रिप्रेजेंट करेगा। 34 के लिए वापस से 3 बल्ब तो हम पूरे पूरे बना दें इसके फिगर और एक आधा बना दें। सो दिस विल रिप्रेजेंट
ये दूसरा, ये तीसरा, और एक आधा बना दे, ठीक है, ये आधा बल्ब बना। तो दिस विल रिप्रेजेंट 34, तो रिप्रेजेंट द डिटेल्स बाय पिक्टोग्राफ। इस तरह से हम पिक्टोग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। Now, next one is the total number of students in a school in different years shown in the following table. तो यहाँ पे 1996 में 400, फिर 535, फिर 472, तो ये number of students दिए हुए हैं. Then, prepare a pictograph of the students using वन सिंबल, ऐसा एक बच्चा जैसा हम बनाए, टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो एक तो पहली चीज हमको ये बनाना है और फिर उसमें से इसका आंसर भी देना है, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। 2002 में कितने सिंबल्स हमारे को बनाने हैं, जबकि एक इस तरह का सिंबल अगर बनाया तो वो 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से हमको 6 सिंबल्स बनाने पड़ेंगे, बच्चे का पिक्चर बनाना पड़ेगा हमको। तो देन हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर 1998 में 535 स्टूडेंट्स हैं। तो हम सबसे पहले पिक्टोग्राम बना लेते हैं और फिर इनके आंसर्स हम बना लेंगे। तो यहाँ पे 5 ईयर्स के अंदर हमको ये बनाने का है, है ना? इसको थोड़ा सा और नाइनटीन नाइन्टी सिक्स नाइनटीन नाइन्टी एट टू थाउजेंड एंड 2004, ठीक है। अच्छा, एक सिंबल वो 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट और एक अगर हम इस तरह का एक सिंबल, क्योंकि इस तरह का सिंबल बनाने की जगह हम ऐसा एक सिंबल बना दें, और या फिर यहाँ से यूं ले लें, है ना, ये इस तरह से ले लें, दिस रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट। तो सबसे पहले 400, मतलब हमारे को 4 इस तरह के सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। तो ये एक
दो तीन और चार। सो दीज फोर विल रिप्रेजेंट 400 स्टूडेंट्स। फिर इसके अंदर 535, मतलब पांच तो हम पूरे बनाएंगे और छठा हम आधा बनाएंगे। सो दिस विल बी 5 तो हमको पूरे बनाने हैं, है ना? और छठा हम आधा बना दें। आधा बना दें मतलब सिर्फ यूं हम इतना बना दें। सो दिस विल रिप्रेजेंट 535, ठीक है? फिर यहाँ पे 472, 472 तो हम चार पूरे बना दें और एक आधा बना दें। तो ये चार पूरे नहीं, सबसे पहले 472, तो चार पूरे बनेंगे इस तरह के। ये चार पूरे और एक आधा बना दें, तो सिर्फ इतना बना दें। सो दिस विल रिप्रेजेंट 472। फिर 2002 के लिए 600 स्टूडेंट। 600 स्टूडेंट मतलब छः, छः फिगर हम बनाएंगे। चार तो हो गए, ये पांचवा और ये छठा, ठीक है? तो ये 600 को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर 623 मतलब एक आधा और बनाना पड़ेगा इसके साथ में। तो ये छः तो बन गए, एक आधा बना दें, तो ये आधा हो गया। सो दिस विल रिप्रेजेंट 623, राइट? अब यहाँ पे देखिए, हमको जो आंसर्स देने हैं। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग सिंबल दिस रिप्रेजेंटिंग 100 स्टूडेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट ए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2002? 2002 में कितने सिम्बॉल्स यूज कर रहे हैं हम? सिक्स। तो आंसर इज सिक्स। हाउ मेनी सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट ए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 1998? सो 1998 दिस इज 535, सो 5 + 1/2। सो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू बार ग्राफ। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का ही एक पार्ट है। तो बार ग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे?
बार्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन. अब इसमें बार ग्राफ सी व्हाट इट इज. ए बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स. तो रेक्टेंगल्स या बार्स जो है वो इक्वल वेड्थ के. यहाँ पे हम देखेंगे कि वेड्थ तो सबकी इक्वल है लेकिन हाइट अलग अलग है. बट दिस इज ऑफ वेरिंग हाइट. तो बार ग्राफ में हमारे को रेक्टेंगल्स जैसे बनाने हैं जिनकी वेड्थ एक जैसी होगी लेकिन हाइट अलग अलग होगी. ठीक है, हाइट गिवन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज होती है. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए. रीड द एडजॉइनिंग बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ ए स्कूल. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट इज व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ. देखिए, देन हाउ मैनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड एवरी ईयर. Then, is the number of students in the year 2003 twice that of in the year 2000? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो बार ग्राफ बनता है तो जैसे हमने पिक्टोग्राम के अंदर लिखा था कि एक पिक्चर जो भी बना हुआ था वो कितने आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम जब भी बार डायग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर एक स्केल भी लिखते हैं, है ना. तो स्केल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 unit लेंथ इज इक्वल टू 10 students. तो अगर हमने 1 centimeter ऊंचा अगर ग्राफ बनाया तो वो 10 students को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ. द स्केल इज, यू विल राइट आंसर, 1 unit लेंथ इज इक्वल टू 10 students. सो दिस विल बी आंसर इज 1 unit is equal to 10 students. अब देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए. यहाँ पे 2000 में इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, है ना. इसमें अगर ये 30 तक, देखिए ये लेंथ जा रही है 30 तक, 30 अगर लेंथ है और 1 unit अगर 10 students को रिप्रेजेंट करती है तो ये 30 into 10, मतलब 2000 में 30 into 10 मतलब 300 students इस स्कूल के अंदर थे, है ना. तो यहाँ पे ये आ जाएगा 300 students. फिर हम अगर देखें 2001 के अंदर, 2001 में ये 40 तक पहुंच गई है हाइट, तो 40 into 10 मतलब यहाँ पे 300 से बढ़ के और बच्चे हो गए 400, क्योंकि 40 into 10 दिस विल बिकम द टोटल स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स फिर से बढ़ गए. ठीक है, अब 2002 में देखें तो ये हाइट ये 50 तक पहुंच गई, 50 तक पहुंच गई, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 500 हो गए. तो यहाँ पे 300 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे 400 हो गए और यहाँ पे 500 हो गए, मतलब 100-100-100 करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, है ना. और 2003
तीन में ये हाइट 60 तक पहुंच गए। इसका मतलब स्टूडेंट्स कितने हो गए, 60 × 10 मतलब 600 स्टूडेंट्स हो गए। तो हमको डायग्राम देखने के बाद में इस डायग्राम को पढ़ना भी आना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन इसमें से दी हुई है। ठीक है, तो अब हम इसके आंसर्स को देखते हैं। व्हाट इज द स्केल ऑफ द ग्राफ, ये हमने लिख लिया, 1 unit = 10 स्टूडेंट्स, है ना। फिर हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड एवरी ईयर, तो यहाँ पे हर साल कितने कितने स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, 300 से 400 हुए, 400 से 500 हुए, 500 से 600 हुए, तो कितने स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, 100 स्टूडेंट्स ऐड होते हैं हर साल। तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर दिस इज 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2003 ट्वाइस दैट इन ईयर 2000, तो 2000 और 2003, ये 2000 में 300 थे और 2003 में ये 600 हो गए, तो यहाँ पे पूछा हुआ है क्या डबल हो गए, तो 300 से 600 हो गए, इसका मतलब डबल तो हो गए, है ना, तो आंसर विल बी यस, आंसर फॉर दिस विल बी यस, दीज आर डबल। ओके, सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम दिस ग्राफ एंड विद दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गिव द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ which is showing the scale, a sale of the shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday. तो यहाँ पे इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे number of shirts sold है, ऐसे ही यहाँ पे Monday, Tuesday, Wednesday है। ये ज़रूरी नहीं है कि वर्टिकल ग्राफ ही बने, ये हॉरिजेंटल भी हो सकता है, बार्स इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बार्स इस तरह से खड़े हुए ही बने, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है 1 unit length = 5 shirts, तो यूनिट लेंथ ये 5 shirts को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखिए मंडे को यहाँ तक हुआ, मतलब ये 15 सेंटीमीटर तक पहुँचा, 15 मतलब यहाँ पे शर्ट्स कितनी बनी, 15 × 5 मीन दिस विल बिकम 75 shirts आर मेड हियर। जबकि ट्यूसडे को ये 10 तक जा रहा है, मतलब 10 × 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शर्ट्स जो बनी हैं वो 50 बनी हैं। फिर वेडनेसडे को देखें तो ये वेडनेसडे को 20 तक पहुँच रहा है, तो 20 × 5 मीन्स 100 शर्ट्स ये बनी वेडनेसडे को। थर्सडे को अब ये यहाँ से देखें तो ये 35 तक आ रहा है, ये देखिए 35 तक आ रहा है, तो 35 × 5 मीन्स दिस विल बी 175 शर्ट्स ये थर्सडे को बनी। फिर फ्राइडे को अगर हम देखें तो ये यहाँ से 50, तो 50 × 5 मतलब 250 शर्ट्स ये फ्राइडे को बनी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 60 तक जा रही है, तो 60 × 5 दिस इज 300। तो ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि मंडे को 75, ट्यूसडे को 50, वेडनेसडे को 100,
थर्सडे को 175, फ्राइडे को 250 और सैटरडे को 300 शर्ट्स बनी है। तो यहाँ से हम इनके आंसर्स दे सकते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एबो ग्राफ गिव्स? दिस इज प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स। आंसर इज प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स। Then, what is the scale chosen for the horizontal line representing the number of shirts? So, this is 1 unit length is equal to 5 shirt. Then, on which day were the maximum number of shirts sold? How many shirts were sold on that day? So, this is Saturday. So, maximum number of shirts sold, these were on Saturday, and how many shirts were sold that day? So, this is Saturday, 300 shirts were sold, right? Then, on which day were the minimum number of shirts sold? So, on Tuesday, answer for this will be, answer is Tuesday. And how many shirts were sold on Thursday? So, on Thursday, the number of shirts sold, this was 175. These are the number of shirts sold. Okay? So, we can give information from this bar graph.